सही कह रहे हो भाई, थोड़ा बहुत ही कम मिलेगा। सुपर भाई सुपर। राम राम सारे भाइयों ने। और भाई आज आपके लिए लेके आए मर्सिडीज। अभी भाई से पूछेंगे, इसके ओनर से मिलते हैं और ओनर से पूछते हैं भाई कौन सी मॉडल है और क्या है सब चीज़ के बारे में, इसके फीचर्स वगैरह सब एक्सप्लोर करेंगे। इसके ओनर से मिलते हैं, विकास डागर भाई इसके ओनर है। हेलो भाई। सुना भाई जी, क्या हाल है? मस्त भाई। और आज आपको मर्सिडीज दिखाते हैं E280। E280 मॉडल है? हाँ भाई। अच्छा, कब ली थी आपने? ये भाई 2007 मॉडल है, ये थोड़ी विंटेज थी, मैंने सेकंड हैंड ली थी। अच्छा, मुझे ओल्ड मॉडल थोड़ा पसंद है, विंटेज क्लास। आपने अच्छा, आपने कब ली थी ये भाई? मैंने लिया 2011 में। 2011 में? हाँ जी। अच्छा, तो जब से आप इसको यूज कर रहे हैं? जब से ही कर रहे हैं भाई। क्या प्राइसिंग आ गई थी भाई इसकी जब? भाई ये 12 लाख रुपए की पड़ी थी। 12 लाख रुपए की? हाँ भाई। अच्छा ठीक है, तो भाई बाहर से कुछ कुछ काम करवाया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। जो जो आपने करवाया फ्रंट में कुछ करवाया है क्या? भाई ये सारी स्टॉक है वैसे तो गाड़ी। अच्छा। हाँ बस, और जो कंपनी की तरफ से मिलता है वही सारा कुछ है इसमें। 16 इंची अलॉय व्हील है, देख लो आप एक बार अच्छे से। अच्छा, टायर साइज उसका 225 mm है, टायर खूब विड्थ अच्छी है टायर की। और ये देखो दोस्तों, कितने कितने इंच बताए थे भाई? 16 इंची। 16 इंची भाई एलॉयज है, और विड्थ भी बता दी भाई ने। और कुछ काम करवाओ ये कुछ भाई ग्लास में काम करवाया हुआ है? हाँ भाई, ग्लास टिंटेड हैं सारे। टिंटेड है? हाँ, ये ग्रीन शेड टिंटेड करा रखे हैं ग्लास। अच्छे लगते हैं ग्रीन शेड, है ना? बाहर से भी अच्छी लुक आती है और अंदर थोड़ा फील अच्छा आता है, ज्यादा उजाला नहीं रहता और लुक थोड़ी अच्छी बनती है। चलो अंदर से भी देखेंगे, अभी देख लेते हैं। और आपने पीछे से करवाया भाई कुछ काम? इसमें भाई पीछे बस एग्जॉस्ट चेंज्ड है, ये आफ्टर मार्केट करवाया एग्जॉस्ट। ये चारों RR-MV1 के एग्जॉस्ट है। अच्छा, एक नंबर बेस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है। अच्छा हाँ भाई, ये आपने लगवाए हैं बाहर से? हाँ जी। पहले कितने एग्जॉस्ट थे इसमें? पहले इसमें 2 एग्जॉस्ट थे, अब ये 2 में से अलग डिवाइड करके 4 बने हैं। अच्छा, अलग डिवाइड करके 4 बना दिए, तो आवाज फिर अलग ही आती होगी? मस्त सी, बिल्कुल मस्त आवाज आती है, आपको आवाज भी सुनाते हैं थोड़ी देर में। हाँ आवाज सुनेंगे अभी। और ये पीछे वाला ग्लास भी आपने करवा रखा है ना? ये ब्लैक टिंटेड है। ब्लैक? अच्छा, ये ब्लैक टिंटेड है। कुछ ग्रीनिश भी आ रही है शेड से, अंदर ब्लैक वो लगा रखी है कर्टेन उससे। अच्छा, ब्लैक कर्टेन लगा रखे हैं उससे आ रहा है काफी, यार लुक अच्छी दे रही है भाई गाड़ी अब भी। और पूरे मजे आते हैं भाई चलाने में? भाई पूरी फील है। अच्छा चलो अंदर से देखते हैं, अब अंदर चलते हैं। आ जाओ भाई। तो भाई अंदर से पहले थोड़ी सी आप लुक देख लें और फिर अंदर चल के भी दिखा दूंगा। ये देखो, पहले अभी लुक देख लें, अंदर थोड़ा फीचर्स वगैरह की बात करेंगे। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और अब भाई से थोड़ा सा पूछेंगे, अभी इंटीरियर पहले थोड़ा सा आपको दिखा दें। तो अब बताओ भाई, यहाँ पे अपना स्टीयरिंग हो गया, ये क्या अपने माउंट कंट्रोल्स वगैरह मिल रहे हैं ना? ये सब कोल पिक और से। हाँ भाई। अच्छा, इंटीरियर भाई वुडन करवा रखा है इसका। अच्छा, ये जो सारी यहाँ स्ट्रिप्स दिख रही हैं और ये वुडन की यहाँ टचिंग दिख रही है सारी, ये करवा रखा। अच्छा, है अच्छा, करवा रखा है। हाँ भाई ठीक है, इंटीरियर बहुत अच्छा मिलता है गाड़ी में, बैठ के एक फील है इस गाड़ी में। फील तो भाई बढ़िया ही आ रही है, मस्त मजे आ रहे हैं। यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है कप वगैरह के लिए। अच्छा, ऐसे प्रेस करके ये खुल जाता है भाई। यहाँ पे मिल जाती है भाई कॉइन्स वगैरह और कुछ अपना सामान रखना हो किसी को। हाँ, और ये अपना ग्लोव बॉक्स रहा। हाँ, ये आगे इसमें भी ग्लोव बॉक्स में भी लाइट मिल रही है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ये आपने आर्म रेस्ट मिल जाएगा। हाँ, ये भाई आर्म रेस्ट के नीचे की स्टोरेज है, इसमें अच्छा, कुछ भी अपना सामान रख देंगे। अच्छा अच्छा। और भाई इसमें ऊपर ये 2 अलग मिलते हैं, ये अच्छा छोटी स्टोरेज है। हाँ, वो इसका तो पता ही नहीं चल रहा था भाई बिल्कुल भी। हाँ, आप कोई टूल वगैरह या कुछ भी रखना चाहो तो इसमें रख सकते हो भाई। अच्छा भाई। सही बढ़िया भाई मस्त। पीछे भी अपना AC वगैरह मिल जाता है इसमें ना? AC पूरा ऑटोमेटिक है सारा, क्लाइमेट कंट्रोल आप बस टेम्परेचर सेट करो, फैन वैन सब ऑटोमेटिक है। पीछे भी पूरी गाड़ी में AC है, साइड में रियर इनपे भी AC वेंट्स है। अच्छा, इनपे भी है। चलो अभी पीछे चलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। और ये अपने स्पीकर से भाई, स्पीकर बीच में इसमें भाई 8.1 ऑडियो है। 8.1? हाँ भाई, 8 स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको, सराउंड साउंड बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है, अभी वो भी चेक करते हैं। ठीक है, ये अपने ट्विटर्स मिल रहे हैं और यहाँ पर भी अपने स्पीकर मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा भाई बटन मिल जाता है अपना ये नीचे करने का, ये 1 touch down है भाई, 1 touch down और 1 touch up है। हाँ भाई, ये देख लो दोस्तों, तो ऐसे कुछ सिस्टम है ये अपने, ओपन करने के डोर ओपन है भाई। अच्छा, तो भाई कितनी चल गई है अपनी गाड़ी? भाई गाड़ी अभी 1 lakh को क्रॉस करी है कुछ दिन पहले ही बस, ये देख लो आप मीटर में 1,04,420 है भाई। अच्छा हाँ भाई। अच्छा, 1,04,420। तो आपने जब ली थी जब कितनी चल रही थी ये? जब भाई ये जब तो ऐसे चली थी 35,000+ बस। हाँ भाई। अच्छा जी। हाँ सही। तो भाई अपना ये देखो, यहाँ पर ऊपर की साइड देखेंगे ना, तो ऊपर की साइड ही अपने ये ऑन मोन करने के मिल जाते हैं, यहाँ से लाइट ऑन हो गई। और ये अपना ना ये देखो सनरूफ खोलने का, ये देखो
यहाँ से ओपन किया और यहाँ से ऐसे इसको प्रेस किया तो मस्त भाई वन क्लिक में पीछे चला गया और वन क्लिक में ये आगे आ रहा है, ये देख लो दोस्तों। तो ऐसे कुछ सिस्टम है, ऊपर की तरफ भी हो जाता है, ये देखो ऐसे पीछे से उठाना ना तो ऐसे पीछे से उठा दिया यहाँ से क्लिक करके, और इसको नीचे करना है तो ये नीचे हो गया। तो कुछ ऐसा सिस्टम है और इसको ऐसे बंद कर दिया। यहाँ पर भी थोड़ी जाली टाइप की चीज़ मिल रही है जिससे लाइट वाइट आती रहे, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। यहाँ पर भी ये देखो लाइट दी हुई है, यहाँ से ना ये नहीं है इसमें, यहाँ पर पीछे देखो यहाँ पर लाइट IRVM में मिल जाते हैं अपने। तो ऐसा कुछ सिस्टम है भाई गाड़ी में, ये देख लो यहाँ से AC के ऐसे हम एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। ऑटोमेटिक AC मिलता है भाई गाड़ी इसमें, है भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है भाई, ऑटोमेटिक पूरी ऑटोमेटिक है भाई, गियर वेयर मैनुअल कुछ नहीं है गाड़ी में, पूरी ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई गाड़ी पूरी ऑटोमेटिक है, गियर वगैरह ये अपने ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक, क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक और सारी चीजें, सनरूफ वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक है भाई गाड़ी, सब भाई बढ़िया ऑटोमेटिक गाड़ी है। मतलब उस टाइम पर भी मर्सिडीज में फीचर्स आते थे जो कि आज के टाइम में आज गाड़ी में आ रहे हैं ना। बिल्कुल भाई, कोई लगता ही नहीं है कि अंदर बैठ के गाड़ी में कि 2007 इतना पुराना मॉडल है गाड़ी का, वही फील है, लग्जरी फील पूरी, कोई दिक्कत नहीं है और एक अलग ही क्लासिक लुक मिलती है भाई। भाई मस्ती भाई, बढ़िया क्लासिक लुक मिल रही है। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देखना भाई, ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं देखा है तो वो भी हमने किया हुआ है। तो ये देख लो भाई अपने, बढ़िया भाई गाड़ी वाड़ी चल रही है। अभी इसकी आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाएंगे अंदर से, अभी अंदर से सुनना और फिर बाहर से भी सुनाएंगे, अभी सुनना कैसी आवाज़ आ रही है आपको। अभी भाई रेस देंगे, ये देखो साउंड चेक करो भाई यार, बढ़िया आ रही है यार। अगर आपको भी सुनाई दे रही है तो आप भी बताना कमेंट करके। तो भाई अपने फ्रंट में तो भाई यही चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई, अब पीछे की तरफ भी चलेंगे, पीछे की साइड से भी देखेंगे भाई क्या मिलता है। लेग रूम वगैरह की बात करें तो जैसे भाई सेडान में अपना अच्छा ही मिल जाता है लेग रूम, तो हमेशा से ही सेडान तो यार इस चीज़ के लिए फेमस है ही। और जो बैठ के फील आ रही ना तो लग्जरियस फील आ रही है कि भाई लग्जरी गाड़ी में, और लग्जरी है ही भाई, और बाहर से भी कोई बंदे देखते हैं तो हाँ कि भाई मर्सिडीज में मस्त बंदे घूम रहे हैं। और ये अपने भाई ये ORVM वगैरह भी ऑटोमेटिक होंगे ना उस साइड में, देखो ये आपको ORVM के मिल जाते हैं एडजस्ट वगैरह करने के, एडजस्ट भी हो जाते हैं और इससे ऑन ऑफ भी हो जाते हैं और चाबी से भी हो जाते हैं ना भाई। और भाई AC वगैरह रिस्पांस बात करें, AC का रिस्पांस कैसा है भाई? AC बहुत अच्छा है भाई गाड़ी का, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है AC का। अगर आपको साइड वाले को अलग क्लाइमेट चाहिए, कोई दिक्कत है, अगर हीट ज्यादा चाहिए तो इधर से अलग कंट्रोल कर लेगा अपना, अच्छा। ड्राइवर अपना कंट्रोल अलग कर लेगा। अच्छा अच्छा, दोनों साइड के अलग है भाई, जैसे आप देख सकते हैं 15 और ये लो पे है, आपका 15 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, मेरा बिल्कुल लो पे है। अच्छा, दोनों साइड अलग क्लाइमेट मिलता है गाड़ी में। और भाई 12 भी आ जाता है इसमें? हाँ भाई 12 डिग्री सेल्सियस लो से एक ऊपर। अच्छा जी, सही, 12 तक भी चले जाता है भाई गाड़ी में। ये देखो लो बोले तो भाई 11 हो गया इसका ना, और ये 12 भाई 12 तक चले जाता है। और यहाँ पे हम अपना अलग हिसाब से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने 15 कर दिया और भाई का 12 है। तो ऐसे यार बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिल रहे हैं भाई गाड़ी में, तो गाड़ी भाई पूरी क्लासिक कार है भाई। सही, बढ़िया। तो भाई यहाँ से अपना ये अनलॉक वगैरह हो जाते हैं, यहाँ से अपना गेट अनलॉक कर दिया या लॉक करना है तो यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों अभी ना आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ चेक करवा देता हूँ कि कैसी एग्जॉस्ट की आवाज़ आती है खड़ी खड़ी, और फिर उसके बाद भाई इसको थोड़ा चला के दिखाना है भाई, भाई। फिर चला के देखेंगे कि भाई कैसी आवाज़ आ रही है। तो भाई सुपर भाई सुपर, बढ़िया भाई, मस्त मजे आ रहे भाई। अब थोड़ा सा चला के देखते हैं, ये देखना भाई भगा के। तो भाई मस्त सुपर आवाज आ रही है भाई, भाई कैमरे की तो कह नहीं सकता पर मुझे तो भाई बहुत ही बढ़िया आवाज आ रही है, सेट सुपर यार, सेट भाई। ये एग्जॉस्ट लगवाने चाहिए मुझे भी स्कॉर्पियो में कि नहीं भाई, कमेंट करके बताना कि स्कॉर्पियो में एग्जॉस्ट लगवाऊं नहीं लगवाऊं। तो भाई फिर देखेंगे, एग्जॉस्ट भी लगवा लेंगे। शार्क फिन एंटीना आता और मैंने आपको ये ओपन करके दिखा दिया। अब पीछे के साइड से देखते हैं, रियर से लुक देखते हैं गाड़ी की। तो रियर से बात करें ना भाई गाड़ी की, डोर तो बिल्कुल सेम ही मिलेगा, तो इस साइड से देख लें पीछे से ना, पीछे से ऐसी कुछ अपनी लुक मिल जाती है। अब बंद कर देते हैं, एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है काफ़ी। और यहाँ पर ये क्या चीज़ मिल रही है भाई? अच्छा, यहाँ पर भी हम कॉइन वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें रख सकते हैं, या अपने जैसे जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो अपनी एस वगैरह इसमें झाड़ सकते हैं। और जैसे कि भाई भाई ने बताया था, यहाँ पर भी भाई AC मिल जाता है, और ये देखो यहाँ से ऑन ऑफ करने का भी मिल जाता है AC में,
बढ़िया गाड़ी है भाई मस्त। और यहाँ पीछे की साइड भी आप देखेंगे तो पीछे की साइड भी ये लाइट वाइट के भाई अपने बटन मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम है भाई, ये देख लें अपना ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह का मिल रहा है। इस साइड से भी सेम डोर है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये देखें भाई, यहाँ से भी एसी है, यहाँ पर भी भाई एसी वेंट्स हैं और यहाँ पर भी एसी वेंट्स हैं। यार काफ़ी बढ़िया यार, लग्जरियस गाड़ी है। ओ भाई यहाँ पे भी भाई चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी देखो यहाँ पे 19-20 कितना टेम्परेचर कर लो इस साइड में। यहाँ पे जैसे इस साइड वाले बंदे को ज़्यादा गर्मी लग रही है, यहाँ पे लो 12 कर लो। ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, इस साइड भी अलग बंदा सेट कर सकता है, इस साइड भी अलग सेट कर सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है, फैन स्पीड सेट कर सकता है। यार यार गाड़ी है भाई मस्त भाई। मर्सिडीज इसीलिए तो भाई फेमस है कि भाई अपनी अलग ही जो फीचर्स वगैरह लेके चलती है। और अब देख लें ये वाली मैंने सीट बिल्कुल पीछे की हुई थी, जब भी अब देखें लेग रूम क्या बढ़िया ही मिल रहा है। अब नॉर्मल ऐसे बैठूं तो ऐसे, और यहाँ पर ये देखो पैर वैर रख के भाई सेटम सेट मिल रहा है भाई, तो कुछ ऐसा सिस्टम मिल जाता है बीच में। पर ये थोड़ा सा परेशान करता हुआ है भाई, देखना क्या भाई ये भाई तीन बंदों के लिए है ही नहीं पीछे वाली सीट। ये यहाँ कोई बच्चा बच्चा होगा वो बैठ जाएगा, पर फैमिली में दो जने बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। अच्छा जी हाँ भाई सही। तो भाई ये चीज थोड़ी सी यार दुखदायक लगती होगी ना, बार बार घूमने जाते हो तो दिक्कत नहीं होती? ज्यादा लोगों के लिए, चार जनों के लिए भाई गाड़ी, ज्यादा लोगों के लिए। अच्छा आप 4% से ज्यादा ट्रेवल करते हैं। और आपने भाई गाड़ी की टॉप स्पीड क्या चलाई होगी? भाई गाड़ी की टॉप स्पीड मीटर में 260 दिखा रखी है, पर मैंने 220 चलाई है भाई, उससे ज्यादा अभी चलाई नहीं है। अच्छा अभी देखेंगे, अगर अब ज्यादा गाड़ी थोड़ा मॉडल भी पुराना है वैसे चलानी भी नहीं चाहिए, अपना सेफ चलते हैं। अच्छा 220 एक बार बहुत पहले जब ली थी जब भी चलाई थी। अच्छा शुरू में यहाँ भाई सही ठीक है। तो 220 पे कैसा भाई रिस्पॉन्स था गाड़ी का? भाई गाड़ी बिल्कुल स्टेबल थी। मुझे सबसे अच्छी बात तो यही लगी कि गाड़ी की हैंडलिंग बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आया गाड़ी में, 220 पे भी गाड़ी स्टेबल चल रही थी भाई। अच्छा हाँ भाई, और बस थोड़ा वाइब्रेशन एग्जॉस्ट की वजह से था, वो आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, थोड़ा वाइब्रेशन था ज्यादा थ्रोटल पे। अच्छा वैसे 220 पे ये लग रही थी कि हाँ मतलब कोई दिक्कत हो जाए कुछ भी हो तो समझ जाएगी, मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा था, कंट्रोल में थी भाई गाड़ी बिल्कुल, पूरी कंट्रोल में थी। हाँ भाई ओके भाई। तो ये देखें पीछे जैसा है, और यहाँ पर पीछे देखें पार्सल ट्रे, कुछ इस तरह की पार्सल ट्रे मिल रही है। और भाई ने जैसे बताया कि ब्लैक ये लगवाया हुआ है इसलिए ग्रीन टिंट आ रही थी। और बूट्स पे देख लेते हैं गाड़ी का। तो दोस्तों अब बूट स्पेस देखेंगे, तो भाई बूट स्पेस देख लेते हैं भाई गाड़ी का। ये अपना की से ही हो जाता होगा, ऑटोमेटिक है की से, ये यहीं से की से खुल जाती है। ओ भाई सही मस्त भाई। तो ये देखे, ओ भाई बहुत ही ज्यादा डीप है ये देखो दोस्तों। भाई अगर ट्रिप पे जा रहे हैं कहीं 1 वीक या 2 वीक की ट्रिप पे भी जा रहे हैं तो भी इनफ, ज्यादा जितना सामान आपको कैरी करना है वो कैरी कर लेता है। सही। तो आपने कोई ट्रिप व्रिप मारी भाई गाड़ी से? हाँ भाई गाड़ी से ट्रिप लगी है इससे। अच्छा हाँ, ये मनाली तक गई है भाई ऊपर। अच्छा मनाली तक गई है। हाँ भाई ऊपर चली गई मस्त। हाँ भाई ऊपर चली, मतलब यार टच वच नहीं होती क्या नीचे? नहीं भाई क्लियरेंस अच्छी है इस गाड़ी की, मर्सिडीज है वो अलग बात है, पर ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी गाड़ी। अच्छा हाँ ये मॉडल देता है भाई ये क्लास। ओ भाई सही कह रहे हो, ये तो स्कॉर्पियो से इसे एक बार करके देखो कंपेयर। सही कह रहे हो भाई, थोड़ा बहुत ही कम मिलेगा। हाँ 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 सही, बहुत थोड़ा बहुत ही कम होगा यार। ये वाली गाड़ी अपनी मर्सिडीज में अच्छा दे देती है ना। हाँ भाई ए क्लास में थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस रखा है इन्होंने। अच्छा टच वच नहीं होती नीचे? हाँ, बिल्कुल भी इतना टच। अच्छा कभी कभी हो जाती है वैसे? हाँ हो जाती है कई बार, ब्रेकर्स पे कुछ अलग रहते हैं। अगर मैं लोकल जाता हूँ कॉलोनी में अपने में अंदर तो वहाँ कई बार हो जाती है टच। अच्छा पर हाईवे वगैरह पे कोई चांस नहीं है। ठीक है भाई ने अपनी टॉप स्पीड भी बताई, और आपके हिसाब से 0 to 100 कितनी देर में चढ़ जाएगी? भाई 0 to 100 ये आई अराउंड 9 to 10 seconds चढ़ जाएगी, 9 से 10 seconds में चढ़ जाएगी। हाँ भाई। अच्छा जी सही भाई, बहुत ही सुपर फास्ट। और जैसे लॉक करते हैं गाड़ी को तो ये अपने ये टर्न ये ORVMs भी अपने ऑफ हो जाते हैं ना? हाँ भाई अपने आप ऑफ ऑटोमेटिकली। और ये भी कुछ ये अलग ही दे रखी है। हाँ भाई। अच्छा ये जैसे इंडिकेटर वगैरह देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप लाइटिंग बढ़ती है। अच्छा स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, 1 2 3 4 ऐसे। सही भाई मस्त। और ये अपना ये भाई हुड का वेंट है। अच्छा अच्छा ये आगे से एयर इनटेक जाती है, यहाँ से इनटेक लेके जो हीट रहती है उसे पीछे पीछे निकल जाती है। हाँ भाई। तो बहुत ही बढ़िया भाई गाड़ी में। और ये यार पहले से ये गाड़ी तो भाई पहले से अपनी मूवीज वगैरह में या किसी चीज़ में गाड़ी अपने सॉन्ग्स में पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह में तो देखी ही होगी। ये वाली जो अपनी गोल वाली लुक आती थी आप लोगों ने दोस्तों बहुत ही देखी होगी मस्त भाई। तो भाई दोस्तों कुछ ऐसा ही भाई
अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस था और ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना दोस्तों, जाकर आपको चैनल पर मिल जाएगा, आई बटन में भी लगाया हुआ है। मिलते हैं दोस्तों ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग नई वीडियोज के साथ, जब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, राम राम।